हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है, जो 3 मई 2020 को होने वाली थी, लेकिन हम अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्थगित करने वाले नहीं हैं, बल्कि और मेहनत से और जुनून के साथ उस तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमको समय मिल गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी परीक्षा 3 मई को नहीं हो रही है, जो हमको एक्स्ट्रा समय मिल गया है, हम उस एक्स्ट्रा समय को बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे और जो जो पोर्शन हमारे वीक हैं, चाहे वो जीएस के हों, चाहे हिंदी के हों, या जो भी टॉपिक हमारा वीक है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और जैसे हमारी श्रृंखला चल रही है, चाहे वो जनगणना की हो या जीएस की हो या हिंदी की हो, वैसी हमारी सारी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि हम और मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ आपके साथ तैयारी के लिए जुट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल जनगणना पढ़ रहे हैं और जनगणना में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिटरेसी रेट के बारे में, यानी कि साक्षरता दर के बारे में, कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, इससे पहले कितनी थी, और किन राज्यों में या किन केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और सबसे कम है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर सब पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों के हमारे कमेंट आए थे, उन्होंने पूछा था कि सर जनसंख्या का हमको पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है। तो मैं उनको साफ तौर पर बता दे रहा हूँ कि जनसंख्या का पीडीएफ अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आंकड़े हैं मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, पीडीएफ का इंतजार आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। या ये हो सकता है कि मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दे दूं, ठीक है, लेकिन इसके इसमें जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो चीजें आप मेरे साथ पढ़ेंगे, तभी आप उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो में मेरे साथ पूरा देखना है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है, यानी कि जितने भी बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं उन पर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। एक चीज और बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम था सिविल सर्विस जोन, उसका नाम बदल करके अब डीपी एडुकेयर हो गया है, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और हिंदी का जो भी मटेरियल है सब कुछ वहां पर उपलब्ध हो गया है। 6 के 6 टॉपिक का सारा पीडीएफ मैंने डाल दिया है, अनेक शब्दों का एक शब्द लास्ट टॉपिक बचा था, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई है, उसमें जो साक्षरता दर है वो 73% है, ठीक है। यानी कि हमारे देश में 73% लोग साक्षर हैं, ठीक है। यानी कि साक्षर का मतलब ये है कि वो पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख सकता है तो उसको साक्षर माना जा सकता है। जो साक्षर शब्द की परिभाषा है उसमें यह है कि अगर कोई पढ़ सकता है और लिख सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, ठीक है। और अगर ये तो एवरेज है, औसत है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेल की यानी कि पुरुष की बात करें तो ये है 80.9% और फीमेल की है 64.6%, ठीक है। कभी कभी तो ये पूछ दिया जाता है, तो कभी कभी मेल यानी कि पुरुष या महिला की अलग से पूछ दी जाती है कि महिला की कितनी है और पुरुष की कितनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, ये जो साक्षरता दर है ये वर्ष 2001 में 64.8% थी, कब 2001 में 64.8% थी, और ये 8.16% बढ़ करके कितनी हो गई है, 73% हो गई, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्ष 2011 में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 8.16% ये जनसंख्या बढ़ गई है 2001 की तुलना में, किसमें, 2011 में, यानी 2011 में 8.6% बढ़ करके 73% हो गई है, ठीक है। अगर बात की जाए कि 1951 में जब जनगणना पहली बार व्यवस्थित रूप से हुई थी आजादी के बाद, ठीक है, तो उस समय हमारे देश में साक्षरता कितनी थी, तो ये थी 18.33 यानी 18.33% थी, ठीक है। कभी कभार हो सकता है पूछ दिया जाए प्रश्न, ठीक है, दिमाग में रहेगा कि हाँ उस समय इतनी साक्षरता थी, बाकी यहाँ पर और कुछ भी ऐसी बातें इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, ठीक है। अब देखिए जो साक्षरता का आधार है, यानी कि कितने वर्ष के लोगों को साक्षर माना जाएगा, या जो काउंटिंग जब की जाती है तो जो साक्षरता दर गिनी जाती है वो कितने वर्ष, मतलब कितने वर्ष का बच्चा हो वो साक्षर माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए
जब वर्ष 1971 तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, तो जो वहां पर जो साक्षरता का आधार था, ठीक है, वो था 5 वर्ष से ऊपर, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष से ऊपर का अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, लड़का लड़का कोई भी है, तो उसको काउंट किया जाता था कि वो साक्षर है या नहीं है। यहाँ पर साक्षरता के आधार से मतलब ये है कि कितने वर्ष का बालक काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 1971 तक जब तक जनगणना हुई है तब तक ये साक्षरता का आधार 5 वर्ष था, यानी कि 5 वर्ष से अगर कम का लड़का लड़की कोई है, वो अशिक्षित है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता था। अगर 5 वर्ष से ऊपर का है, 5 वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर का है, तो वो साक्षर है या निरक्षर है, इस बात को दर्ज किया जाता था, ठीक है। लेकिन 1971 के बाद ये जो आधार था इसको बदल दिया गया और ये जो आंकड़ा हो गया वो हो गया 60 वर्ष, ठीक है। तो जो वर्तमान में जनगणना की जाती है इसमें जो साक्षरता आधार है वो 7 वर्ष रखा गया है, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर के जो भी पुरुष या महिला है, यानी जो भी लड़के लड़की हैं, उनको देखा जाता है कि वो साक्षर है या निरक्षर है, ठीक है। तो अब जो आधार है वो कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। पहले कितना था 1971 तक, वो था 5 वर्ष, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना में कितने लोग साक्षर, जो भी हमारी 121 करोड़ की आबादी है उसमें कितने लोग साक्षर हैं, तो अगर 73% निकालेंगे तो ये करीब 76.34 करोड़ लोग आए, यानी 76.34 करोड़ लोग कैसे हैं, साक्षर, यानी कि पुरुष और महिला मिलाकर के इतने लोग साक्षर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि साक्षरता दर, यानी कि साक्षरता दर किन राज्यों में सबसे ज्यादा है और किन राज्यों में सबसे कम है। हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करेंगे और पुरुष और महिला हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर साक्षरता दर राज्यों में देखी जाए तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कहां पर है, केरल में है, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि केरल में सबसे ज्यादा है और कितनी है, 94% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, कितनी है, 91.3%, और तीसरे नंबर पर गोवा आता है जहां पर 88.7%, ठीक है। ये हम लोग तीन का क्रम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि इसलिए कि कभी कभी क्या होता, जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वही विकल्प में पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता कि केरल विकल्प में नहीं होता है, ठीक है, विकल्प मिजोरम से स्टार्ट होता है। तो फिर आप सोचेंगे मैंने तो केरल पढ़ा था, मिजोरम कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि केरल के बाद मिजोरम का नंबर आता है। तो अगर केरल विकल्प में नहीं है तो विकल्प कौन सा सही होगा, मिजोरम वाला सही होगा। अगर केरल और मिजोरम दोनों विकल्प में नहीं है तो फिर विकल्प कौन सा सही होगा, गोवा वाला सही होगा, ठीक है। इसलिए कम से कम हमको तीन का क्रम पढ़ना ही होगा। और कभी कभी क्या होता है कि आरोही और अवरोही क्रम भी लगाने को पूछ दिया जाता है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, इसलिए हमको कम से कम तीन राज्यों को पढ़ना ही होगा, ठीक है। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो राज्य है बिहार, जहां पर मात्र 61.8% साक्षरता है। उससे ज्यादा कहां पर है, अरुणाचल, यानी कि दूसरा सबसे कम कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है 65.4%, और तीसरा सबसे कम कौन सा है, राजस्थान है 66.1% वहां पर लिटरेसी रेट पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात केंद्र शासित प्रदेशों की करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर पाई जाती है और सबसे कम साक्षरता कहां पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक की बात करें तो वो लक्षद्वीप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, ठीक है। और अगर यहां पर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, ठीक है, इसके बाद है दमनद्वीप की और इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। लक्षद्वीप की 91.8%, दमनद्वीप की 87.1%, अंडमान निकोबार की 86.6%, ठीक है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए, सबसे कम साक्षरता दर किन केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो वो है दादरा नगर हवेली 76.2%, उससे ज्यादा है पुडुचेरी में 85.8%, और उससे ज्यादा है चंडीगढ़ में 86%, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के आंकड़े भी पूछ दिए जाते हैं, तो हम सिर्फ राज्यों में देख लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ बल्कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है, कि जो है पुरुष साक्षरता कहां पर सबसे ज्यादा है और महिला साक्षरता कहां पर ज्यादा, ठीक है। यहां पर हमने राज्य और केंद्र शासित को अलग अलग डिवाइड नहीं किया है बल्कि ओवरऑल देख लिया है। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पर है, केरल में है, ठीक है। यहां पर मैंने आंकड़े नहीं लिखा, जरूरी रहे पर आंकड़े याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, केरल में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप में है और
तीसरे नंबर पर कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, अगर सबसे कम बात की जाए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है, केरल में, यानी कि केरल में पुरुष महिला दोनों है और ओवरऑल भी केरल में ही है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर महिला साक्षरता है मिजोरम की और तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप की। ठीक है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है। ठीक है, तो कहां पर है, केरल में आप बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है, तो क्या होगा, देखिए ये तो राज्य है, ये भी राज्य है, लेकिन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, वो होगा लक्षद्वीप। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पाई जाती है, किस केंद्र शासित राज्य में पाई जाती है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, और अगर राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा है, केरल। ठीक है, अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो वो कहां पर पाई जाएगी, बिहार में पाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद राजस्थान और उसके बाद झारखंड में। ठीक है, ये है महिला साक्षरता का क्रम। ठीक है, इसके बाद जो हमारे देश में दो जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, दो जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, तो हम ये यहां पर बता देते हैं आपको, जो दो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो है सरचिप और अजावन। ठीक है, ये दोनों जिले मिजोरम के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां के हैं, मिजोरम के हैं, जहां पर 98.76% है और 98.5% साक्षरता दर पाई जाती है। ये भारत के दो जिले हैं, किस राज्य में है, सरचिप और अजावन, ये दोनों मिजोरम में। ठीक है, और सबसे कम पाई जाती है अलीराजपुर में 37.22%। ठीक है, और ये कहां पर है अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद बीजापुर है, ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसमें पाई जाती है 41.58%। ठीक है, तो ये था साक्षरता दर का जो भी आंकलन था, जो भी आंकड़े थे वो हमने आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से प्रश्न आए, देखिए मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जितने भी आंकड़े यहाँ पर थे वो सारे आंकड़े हमने शामिल कर लिए हैं। और जहां जहां से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, हमने आपको वहां पर हिंट भी दिया है कि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आप जो है व्यवस्थित रूप से नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि ये आंकड़े आपके दिमाग में बैठ जाए और आने वाली परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।